मोबाइल जैसी खबरों को लेकर रोजाना सुर्खियों में रहने वाली अजमेर की सेंट्रल जेल इन दिनों अव्यवस्थाओं का अड्डा बन चुकी है। जेल में सुविधा शुल्क के नाम पर कैदियों को परेशान किया जा रहा है, वहीं जेल में कैदियों के पास मोबाइल अब आम आदमी को भारी पड़ रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां अजमेर सेंट्रल जेल में DGNR के रेड्डी, IG विकास कुमार, जेलर विक्रम सिंह सहित सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अमिताभ रॉय मौजूद थे, उन्होंने जेल का निरीक्षण किया, गार्ड ऑफ ऑनर लिया। लेकिन उसी वक्त अजमेर सेंट्रल जेल के बाहर कई ऐसे फरियादी खड़े थे जो जेल की अव्यवस्थाओं से काफी नाराज थे। अजमेर सेंट्रल जेल में कैदियों को प्रताड़ित कर सुविधा शुल्क के नाम पर वसूली की जा रही है और इससे पीड़ित लोग सेंट्रल जेल के बाहर ये उम्मीद लगाए खड़े थे कि कोई उनकी पीड़ा सुनेगा। दिल्ली से आई एक महिला ने बताया कि सेंट्रल जेल में उनके पति बंद हैं और उसी दौरान उन्होंने उससे मोबाइल पर बात की, लेकिन अब जेल के कैदियों के पास उनके नंबर चले गए और ये कैदी रोजाना उसे फोन पर परेशान कर रहे हैं। हाँ जी सर, परेशान करते हैं, कभी वो फोन कर देते हैं, मेरे अंदर हस्बैंड है और तो हम कॉल करते हैं, बात करा दो तो वो उलट बोलते हैं और बात नहीं कराते हैं। तो लड़के भी फोन करते हैं आपको? हाँ, लड़के भी कभी फोन कर देते हैं अंदर से कि हम बात करवा रहे हैं, फिर बात नहीं करते हैं और फिर गलत बोलते हैं। आपने शिकायत दी है इसकी? हाँ, शिकायत दी थी सर, 2 बार दी है सेंट्रल जेल में, कुछ भी नहीं हुआ। आइए हम आपको अब मिलाते हैं जेल में कैदी रह चुके असलम से। असलम ने बताया कि वो 7 महीने तक अजमेर की सेंट्रल जेल में बंद था, उसी दौरान उसने एक मोबाइल पर परिवार से बात की, लेकिन उस मोबाइल से फिर परिवार को लगातार धमकियां मिलने लगी और अवैध वसूली शुरू कर दी। जो जेल से फोन यूं नहीं आता था, जेल से फोन किया क्या, एक्चुअली मैं भी जेल में ही था, 7 महीने रह के निकला, तो कभी कभार जो घर में फोन करते थे तो पीछे से वो लोग क्या करते, औरत को टॉर्चर करते थे, बोले कि हम उसको छुड़ा देंगे, हमारे को पैसे दो, ऐसा करके 2 बार मेरी औरत ने उसको 2,000 भी दी है ऐसा करके, तो फिर कभी बात भी करने बोले ना तो नहीं करने देते वो। नाम तो ऐसे तो क्या बता है अंदर में, एक तो सद्दाम है, सद्दाम नाम का है, और 2-3 और भी है, सरदार है, वसूली करते हैं वो, पीछे से टोचा करते हैं, अपन तो बात करके चल जाते हैं जैसे कोई, तो पीछे से वो फोन घर वालों को फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं कि हम 2002 में करवा दूंगा, उसको छुड़वा दूंगा या कुछ भी वैसा। जेल में अवैध वसूली की जांच एक तरफ ACB कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रोजाना थाने में अवैध वसूली के मामले सामने आ रहे हैं। भिनाया इलाके के एक कैदी के भाई ने जेल प्रशासन पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज करवाया है। फरियादी श्री आसाराम सनफ राम प्रसाद कीर, निवासी भिनाया अजमेर है, इन्होंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि सर मेरा भाई सियाराम जो है वो केंद्रीय कारागार अजमेर में बंद है, जिस पर जेल प्रशासन द्वारा मारपीट की जा रही है और उससे सुविधा शुल्क वसूला जा रहा है। इसके ऊपर थाना जाकर जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से रिपोर्ट प्राप्त हुई उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और उसका अनुसंधान जारी है। सेंट्रल जेल में सुविधा शुल्क के नाम पर कैदियों से की जा रही वसूली के मामले में अब तक कई लोगों को ACB द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं जेल में रोजाना मिल रहे मोबाइल ये साबित करते हैं कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में खामियां जरूर हैं, जिनके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुविधा शुल्क और मोबाइल, जी हाँ, यही दास्तान है अजमेर की इस सेंट्रल जेल का। इस जेल में लगातार सुविधा शुल्क की बातें सामने आई तो वहीं लगातार मोबाइल मिलना इस जेल में आम बात हो चुकी है। कुछ ही देर पहले जब हमारी टीम यहाँ पहुँची तो 2 परिजन मिले। एक परिजन ने साफ तौर से कहा कि किस तरह जो है जेल से वसूली की जाती है, किस तरह तोड़ बट्टा किया जाता है और किस तरह जेल में सुविधाएं देने के लिए जो है पैसे मांगे जाते हैं। वहीं एक दिल्ली से आई महिला भी मिली जिसने कई गंभीर आरोप लगाए। उस महिला के पति इस जेल में बंद थे और उस दौरान उसने जो है अपने पति से एक बार मोबाइल पर बात की और उसके बाद लगातार उसको जो है मोबाइल से फ़ोन आ रहे हैं, कैदी उससे मोबाइल पे बात करते हैं, गंदी बातें करते हैं और लगातार उसे जेल से जो है धमकियाँ मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर अजमेर की ये सेंट्रल जेल फिर चर्चा में है। कुछ ही दिन पहले जब ACB ने यहाँ कार्रवाई की, सुविधा शुल्क के नाम पर कई लोगों को पकड़ा, यहाँ तक कि यहाँ के जेलर तक भी जेल में गए, लेकिन फिर भी ये खेल अब भी जारी है। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ भूपेंद्र बिश्नोई, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अजमेर।